लूट के विभिन्न मामलों में वांछित 25,000 का इनामी शातिर अपराधी धर्मेंद्र पुत्र वृक्ष निवासी ग्राम गढ़धौली थाना बढ़लगंज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेंद्र वर्ष 2016 से ही फरार चल रहा था। इसके ऊपर लूट के कुल 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया, ये बढ़लगंज से एक इनामी है 25,000 रुपए का, जो मफरूरी में जिसके ऊपर चार्जशीट लगी थी। इसका नाम है धर्मेंद्र, जो कि बढ़लगंज थाने का ही रहने वाला है। 2016 के अंदर 2 लूटें हुई थी थाना बढ़लगंज के अंदर, जिसमें इनका नाम प्रकाश में आया था। तब से फरार चल रहा है। 174A का मुकदमा भी इनके ऊपर लिखाया गया था और उसके बाद रिवार्ड किया गया, पहले 5,000 का फिर 25,000 का। इसको बढ़लगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी और जो आवश्यकता होगी तो रिमांड भी ली जाएगी। और इसके ऊपर 2013 में भी लोक संपत्ति निवारण अधिनियम का मुकदमा रहा है, जो इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी काफी। इसके साथ जो है लूट जो थी 2016 में हुई थी, एक व्यवसायी के साथ में हुई थी। जो शेष लोग थे वो अरेस्ट हो गए थे। ये अभी फरार चल रहा था, इनका पूरा गैंग था और इसके तहत ये गिरफ्तारी की गई।